अब पढ़ेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, उसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल थी उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसने एक विभाग बनाया था, अमीरे कोही विभाग, इसको ये कृषि विभाग था। दोआब में कर की वृद्धि 1325 में, जो उपजाऊ क्षेत्र था उसमें कर वृद्धि कर दी, इसने टैक्स थोड़ा ज्यादा कर दिया। कृषि ऋण व्यवस्था शुरू कर दी, भाई किसी के पास कृषि के लिए पैसा नहीं है तो वो ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं और बाद में वो वापस कर सकते हैं पैसा। राजधानी परिवर्तन कर दिया, दिल्ली से कहाँ बना दी, दौलताबाद बना दी इसने। पहले दिल्ली चली आ रही थी हमेशा से और उसके बाद इसने चेंज कर दी, दौलताबाद बना दी। कब? 1326 में। प्रतीकात्मक मुद्रा का चलन किया, टोकन करेंसी चला दी इसने, चांदी की जगह पर कांसे के सिक्के चला दिए, ठीक है। और इसी की वजह से ये इसका पूरा जो राज था वो पतन की ओर चला गया था, क्योंकि लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया था। 1329 से लेकर 1330 की बात है। खुरासान अभियान शुरू हुआ 1330 से 31 के बीच में। कराचिल अभियान शुरू हुआ 1337 से 1338 में। साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं और विद्रोह इसके समय में जो हुए थे, पहला है कश्मीर व बलूचिस्तान को छोड़कर सारा हिंदुस्तान शामिल कर लिया था इसमें, ठीक है। मरने से पहला पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में दक्षिणी भाग का पूरा एरिया था, दक्षिण भारत, उसको आज़ाद कर दिया था। और इसके जो पिता थे ग्यासुद्दीन तुगलक, उन्होंने क्या कर दिया था, पूरा दक्षिण भारत को अपने राज्य में शामिल कर लिया था और इसने आज़ाद कर दिया था। प्रमुख विद्रोह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला विद्रोह है बहाउद्दीन गुलबर्गा, कर्नाटक का विद्रोह पहला हुआ। जलालुद्दीन एहसान 1333 में मदुरे, मदुरे का जो सुल्तान है उसने विद्रोह किया। अमीर सादान 1336 से 1346 तक विद्रोह हुआ। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी 1336 में, इसी के काल के समय में, ठीक है, इसी टाइम पीरियड में। बहमनशाह हसन गंगू भी कहते हैं जिसको, इसने क्या किया, इसने भी एक बहमनी राज्य की स्थापना कर दी थी 1346 में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।